हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अनुशमेंट स्टडी क्लासेस पर। लेक्चर नंबर 16 है, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। बुक का नाम है टेंसर एनालिसिस, चैप्टर का नाम है रीमान सिंबल। ये जो चैप्टर है आपके लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 15 लेक्चर में ये कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर नंबर 16 में आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टेस्ट भी समझ सकते हैं। यहाँ पे 1 to 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसको आपको अपने से करना है। इसका सॉल्यूशन जो है आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो। यहाँ पे देखिए, जो पहला क्वेश्चन है क्या है, डिफाइन रीमान सिंबल। रीमान सिंबल क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। दूसरा है डिफाइन रिकी टेंसर, रिकी टेंसर के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। थर्ड है व्हाट आर वियांची आइडेंटिटीज़, वियांची आइडेंटिटीज़ क्या है, दो आइडेंटिटीज़ होती हैं वियांची की, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब मैंने आपको वियांची आइडेंटिटीज़ बताया था तो मैंने उसके पहले के वाले वीडियो में जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान सिंबल ऑफ सेकेंड काइंड। इसे मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ बताया था, पहला तो एक स्क्यूसिमेट्रिक प्रॉपर्टी था, दूसरा था साइक्लिक प्रॉपर्टी, वो दोनों आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन रिकी टेंसर एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। रिकी टेंसर क्या होता है और इसका एक्सप्रेशन यह आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए डिफाइन आइंस्टीन टेंसर, आइंस्टीन टेंसर क्या होता है एंड प्रूव दैट द डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टीन टेंसर इज जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए प्रूव दैट आर एल जे के एल इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट इफ आर आई ए इक्वल्स टू जी ए जे इंटू आर आई जे देन प्रूव दैट आर आई ए कामा ए इक्वल्स टू 1/2 डेल आर अपॉन में डेल एक्स आई। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है बियांची आइडेंटिटीज, तो बियांची में कितनी आइडेंटिटीज होती हैं, दो होती हैं, दोनों का प्रूफ आपको यहाँ पे करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 और 19 में आपसे पूछा गया था। एक बार सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आप 1 to 5 क्वेश्चन का लीजिए या आप 1 to 6 क्वेश्चन का ले सकते हैं, एक ही फ्रेम में आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 6 तक का स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए आप क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का एक साथ ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 8 and 9 आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब लास्ट में आप क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार ले लीजिए। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रीमान सिंबल चैप्टर के लिए, जो कि आपको लेक्चर नंबर 16 में बताया गया। यह है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। इसके बाद टेंसर एनालिसिस में ही आपका एक चैप्टर छूटा था पीछे, रीमान मेट्रिक करके, जिसमें आपको बताऊंगा सबसे पहले मेट्रिक टेंसर के बारे में। वही चैप्टर एक बचा है, बाकी सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं टेंसर एनालिसिस के। वो एक चैप्टर में आपको बताऊंगा जल्दी, वो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद एक आपको मॉडल पेपर मिलेगा टेंसर एनालिसिस का, उसको आपको सॉल्व करना है। Thank you for watching this video. Have a great day.